हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाईफाई हाईजैकिंग के बारे में कि किस तरह हम सिवाय एक या सब वाईफाई को हाईजैक कर लेते हैं। अगर आप दूसरे वाईफाई को हाईजैक करना चाहते हो, जैम करना चाहते हो, तो सब उन जितने भी वाईफाई उस वक्त ऑन होते हैं वो सब जैम हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैमिंग के बारे में और हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह आप वाईफाई को जैम कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आप किसी भी सिस्टम को बिना इजाज़त दिए हैक करते हो तो आपको क्राइम कंसीडर किया जाएगा, तो आपको जेल हो सकती है। जो भी इस वीडियो में दिखाया गया है वो मैंने अपने ही सिस्टम पर अटैक किया गया है। थैंक्स। जेमिंग के बारे में बात करते हैं। जेमिंग जितने भी आपके पास वाईफाई है नियर बाय आसपास, जितने भी वाईफाई है आपके साथ, वो सब आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं। जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो सब डिसकनेक्ट हो जाते हैं, आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं। लेट्स गो टू डेस्कटॉप। हाय फ्रेंड्स, हाउ वी कैन जैम अनदर वाईफाई, किस तरह हम लोग और वाईफाई को जैम कर सकते हैं जितने भी नियर बाय वाईफाईज हैं। तो अवर पाइथन वाईफाई जैमर, जो हम अगली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वी विल टॉक पाइथन जैमर डॉट पी वाई, मेक श्योर वी विल एग्जीक्यूट जैमर डॉट पी वाई, वी विल गेट जैमर वर्किंग विद अवर डिवाइसेस, दिस इज माई फ्रेंड लैपटॉप, यस दिस इज माई फ्रेंड लैपटॉप, एज यू कैन सी दिस इज is connected. See, this is the information network and this is my device. After executing the jammer, we will see the device will disconnect from network. Let's start. No? As we can see, let's start. Yes. So, as we can see, the scanning network script determine nearby network. हमारा जो स्क्रिप्ट है वो जितने भी आपस में वाईफाई है, जितने भी नियर बाय वाईफाई है, उन सबको जेमिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस तरह हम भी डिसकनेक्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हम भी डिसकनेक्ट हो चुके हैं इंटरनेट से। तो जेमिंग ऑल डिवाइसेस टोटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम नेटवर्क, सो वी आर हेयर आल्सो डिसकनेक्टेड। आप इस तरीके से आपके पास जितने भी नियर बाय वाईफाई है आस पास, उनको आप जैम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब अवर चैनल पी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल।